जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता दिसंबर सीजन के आज का अंतिम सवाल, किस राज्य सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए फ्री वाईफाई उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। सवाल एक बार फिर से, किस राज्य सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए फ्री वाईफाई उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। आपके लिए चार विकल्प है, पहला बिहार सरकार, दूसरा दिल्ली सरकार, तीसरा मध्य प्रदेश सरकार, चौथा हरियाणा सरकार। सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके मोबाइल पर मिले प्रत्येक खबर। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। अब नवगछिया में केलांचल मकलांचल के बाद नारंगी मौसमी सेब व थाईलैंड के बेर की खेती भी की भी हुई शुरुआत। नवगछिया के तेतरी पंचायत के किसान गोपाल सिंह ने इस नई संभावना को तलाशा है। वे परंपरागत खेती के साथ सेब, नारंगी, मौसमी, अमरूद व पपीते सहित कई अन्य चीजों की खेती शुरू कर चुके हैं। वहीं वो किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने लगभग 6 साल पहले 15 एकड़ में संतरे की खेती की थी, फिर उन्होंने 10 एकड़ में मौसमी की खेती की, फिर धीरे धीरे मिलती गई सफलता से उत्साहित होकर गोपाल सिंह ने सेब की भी खेती करनी शुरू कर दी है। संभावना है कि आगामी वर्ष कई महीने में सेब का उत्पादन होगा। वहीं बताते चलें कि सेब को 45 से 48 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। गोपाल सिंह बताते हैं कि वे 15 एकड़ में नारंगी, 15 एकड़ में मौसमी एवं 4 एकड़ में थाईलैंड के बेर, 4 एकड़ में सेब व 4 एकड़ में वी अमरूद की खेती कर रहे हैं। गोपाल सिंह को इसके लिए जिला स्तरीय से राज्य स्तरीय तक कई बार सम्मानित किया जा चुका है। सात आठ साल पहले से यहाँ मौसमी और नारंगी का खेती प्रारंभ किए हैं और रिजल्ट अच्छा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 5 एकड़ में लगभग सेब की खेती की है, हरमन 99 वाला, जो कि हॉट टेम्परेचर में भी 47 डिग्री टेम्परेचर तक उगाया जा सकता है आसानी से। फिर उसके बाद खेती है यहाँ VNR भी अमरूद का, और फिर उसके बाद खेती हम लोग किए हैं करीब 4 एकड़ में उथाई एप्पल बैर का, जो कि लगा हुआ है, और सब के सब इसमें हम लोग अपने तरह से जो किसानी व्यवस्था है उसमें जुड़े हुए हैं। और बिहार में भी खास करके भागलपुर जिला में हमको लगता है कि फल उत्पादन में यह क्षेत्र अग्रणी रहेगा। थोड़ा सा अगर निगाह इसमें सरकार के तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसके तरफ से अगर मुहैया कराते रहा जाएगा तो फिर यह व्यवस्था बहुत मजबूत हो जाएगी और किसानी में यहाँ का जो नाम है वो पूरे भारत में, जिस तरह से मक्का में हम लोग इंटरक्रॉपिंग में लगभग अभी 30 एकड़ में बनाना लगाए हुए हैं, तो फिर लोकल बनाना जो कि अच्छा से अच्छा यील्ड दे सके, अच्छा से अच्छा क्वालिटी हो, कहीं कुछ उसमें उस तरह की कमी नहीं, तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। इसे आकर लोग आते हैं बराबर, झारखंड से, बिहार, पूर्वी बिहार से लोग आ करके, असम से लोग आते हैं, फिर वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं, जा करके यहाँ कुछ समझ के हमसे जो जितना भन पड़ता है उनको हम समझा के बता के फिर अपने तरह से वहीं से नागपुर से, और उसके बाद फिर उसका खेती हम लोग किए। उसके बाद फिर सेब का पेड़ लाए बिलासपुर से, हिमाचल के बिलासपुर एक जगह है, वहीं पर इनका इसका इस फल का जो क्वालिटी इसमें हम लोग लगाए हुए हैं अभी HRMN 99, इसका वहीं पर पूरे भारत में हमको लगता है कि 23-24 स्टेट है जहाँ की इसका सफलतापूर्वक खेती किया जा रहा है। कितने एकड़ में है नारंगी? नारंगी और मौसमी मिला हमको लगता है लगभग 30 एकड़ में इसका खेती है यहाँ पे, और सेब के 4 एकड़ में। सेब का फलन शुरू हुआ? हुआ था, अगले साल कुछ फला था, लेकिन कम इस बार ज्यादा फलेगा। एप्पल वेयर भी 4 एकड़ में है और सबके इंटरक्रॉपिंग में। फूड प्लाजा की प्रस्तुति न्यू ईयर 2021 पार्टी सेलिब्रेशन 31 दिसंबर थर्सडे संध्या 6:30 बजे डीजे वेट्स, डीजे म्यूजिक एवं सिंगिंग के साथ फूडिंग, सॉफ्ट ड्रिंकिंग फ्री। बस एंट्री चार्ज मात्र 599 में एवं बच्चे की एंट्री
399 में, जिसमें एक ही टिकट में कपल या फैमिली की एंट्री टिकट की बुकिंग शुरू है। संपर्क करें फूड प्लाजा के रिसेप्शन काउंटर या कॉल करें 7992499821। नवगछिया, 31वां श्री श्याम महोत्सव की तैयारी पूरी, आज से शुरू होगा महोत्सव। श्री श्याम भक्त मंडल के तत्वाधान में 31वां श्री श्याम महोत्सव स्थानीय मारवाड़ी विवाह भवन में धूमधाम से मनाया जाएगा। जानकारी देते हुए अध्यक्ष रवि सराफ ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए इस बार यह महोत्सव का कार्यक्रम छोटे मोटे रूप में मारवाड़ी विवाह भवन में किया जा रहा है, जिसमें भजन गायक कोलकाता से नरेंद्र सोनी, अनुश्री शर्मा, अभिषेक दधीच के द्वारा भजन की प्रस्तुति होगी। वहीं पंडाल की रूपरेखा को सजाने के लिए बंगाल के कारीगरों को लगाया गया है। भजन का कार्यक्रम 31 दिसंबर संध्या 7 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक होगा। वहीं जात का कार्यक्रम 1 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह से प्रारंभ होकर दोपहर 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में सचिव वरुण केजरीवाल, संतोष यादव का मीडिया प्रभारी अशोक केडिया, शंभु रुंगटा, अनिल केजरीवाल, शिव डोकोनिया, रूपेश रुंगटा, शिव अग्रवाल, मनोज चौधरी, हनी केजरीवाल, केशव सराफ, अंशु उदयपुरिया, सौरभ रुंगटा सहित कई अन्य लगे हुए हैं। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। नवगछिया, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने किया कमेटी का विस्तार। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की बैठक नवगछिया में बुधवार को आयोजित की गई, जिसमें परम वैष्णव संत ब्रह्मकालीन पंडित जगदीश शर्मा के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। तत्पश्चात संघ की मजबूती के लिए गोपालपुर एवं खरीक प्रखंड एवं नगर पंचायत के लिए प्रखंड एवं पंचायत अध्यक्षों को मनोनीत किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ललित झा व संचालन नंदलाल तिवारी ने किया। मौके पर सागर पांडे, श्रीराम पाठक, नीरज शर्मा, पंडित राम प्रकाश शर्मा, रंजीत चौधरी, पंडित अविनाश मिश्रा उर्फ जैकी, प्रशांत झा व अन्य मौजूद थे। नवगछिया हॉस्पिटल संचालक से मांगी 5 लाख की रंगदारी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर अपराधी को किया गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड 17 लाल बिहारी कॉलोनी निवासी संजीव कुमार दास से डोबिनिया निवासी राणा फौजी ने 5 लाख की रंगदारी की मांग की। अपराधी द्वारा रंगदारी मांगे जाने के बाद पीड़ित हॉस्पिटल संचालक संजीव कुमार दास ने मामले की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करते हुए तत्काल कार्रवाई कर राणा फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित हॉस्पिटल संचालक ने बताया कि वह अपने मकान में ट्रस्ट के माध्यम से हॉस्पिटल संचालित करता है, जहां बाहर से चिकित्सक आकर लोगों का इलाज करते हैं। 27 दिसंबर की सुबह 7:13 पर मोबाइल नंबर से कॉल किया। फोन उठाने पर उन्होंने अपना नाम राणा फौजी बताया और गाली गलौज करते हुए 5 लाख की रंगदारी मांगी और फिर उसने फोन काट दिया। उसके बाद पुनः उसी व्यक्ति द्वारा उसी नंबर से दोपहर 2:32 पर फोन किया गया और कहा जल्दी से जल्दी 5 लाख पहुंचा दो, पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने लगा और गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं राणा फौजी हूं, तुम रोज घर से आते जाते हो, रास्ते में ही गोली से उड़ा दूंगा। वहीं घटना के संदर्भ में नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि मामला की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस द्वारा छापेमारी कर आरोपी राणा फौजी को थाना क्षेत्र के मुमताज मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। अविनाश की लगन और मेहनत से कोसी कछार से निकल आई सभ्यता। कल का ग्वारी डी जंगल आज सेल्फी स्पॉट बन गया है। रोजाना 100 से अधिक लोग
पूरा अवशेषों का मुआयना करने आ रहे हैं। ग्वारीडी कल तक निर्जन था, लेकिन आज कल दिन भर लोगों और पुलिस प्रशासन की आवाजाही से गुलजार रहता है। यह देख ग्वारीडी सभ्यता की खोज करने वाले अविनाश उर्फ गंगा जी फूले नहीं समा रहे हैं, उनकी मेहनत रंग लाई है। अविनाश ने वैसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो नौगछिया अनुमंडल की ऐतिहासिकता को कमतर और बालू पानी से ज्यादा नहीं आंकते थे, लेकिन आज अविनाश की मेहनत और लगन के बदौलत ग्वारीडी का कोसी कछार चीख चीख कर अपने हजारों वर्ष पुरानी ऐतिहासिकता का बयां कर रहा है। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। रंगरा केयर इंडिया की टीम ने किया रंगरा पीएससी का निरीक्षण। रंगरा पीएससी में चल रहे कायाकल्प योजना का निरीक्षण बुधवार को केयर इंडिया की जिला टीम ने किया है। इस क्रम में लेबर रूम, सेल कक्ष, दवा भंडार कक्ष, दवा वितरण कक्ष, फैमिली प्लानिंग कक्ष आदि का निरीक्षण टीम के सदस्यों ने किया। टीम के सदस्यों ने निरीक्षण के बाद पत्रकारों के बीच पूरी व्यवस्था को संतोषजनक कहा। वही मौके पर रंगरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पिंकेश हरि केश कुमार, डॉक्टर मनोरंजन कुमार, डॉक्टर प्रभात कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक श्वेता कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, रंजीत कुमार व अन्य कर्मियों की भी उपस्थिति देखी गई। डॉक्टर वरुण बने नौगछिया पीएससी के प्रभारी। भागलपुर के सीएस विजय कुमार ने नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार को नौगछिया पीएससी का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और बिहार कोषागार संहिता के नियम 84 के तहत निकासी व वयन पदाधिकारी बनाया है। भागलपुर के सीएस डॉक्टर विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर वरुण को यह जिम्मेदारी जनहित व कार्यहित में दिया गया है। नवगछिया 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान चौपाल का आयोजन। नगरा पंचायत के ठाकुरबाड़ी में 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान चौपाल का आयोजन किया गया। किसान चौपाल की अध्यक्षता नगरा पंचायत के पूर्व मुखिया देव नारायण मंडल ने किया। किसान चौपाल को संबोधित करते हुए पूर्व मुखिया सुंदर सिंह ने कहा कि यह 3 कृषि कानून किसान को कॉरपोरेट घराने का गुलाम बना देगा। सभा की शुरुआत में दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में शहीद हुए किसान की 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। किसान चौपाल में पंकज सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाई उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9387083। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम।